मैं उस लड़की के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, तुम उस लड़की के चक्कर में पड़ते हो। फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपका नाम है अंकित रावत। आपने बोला कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलें, जहां हम कहते हैं किसी के चक्कर में पड़ जाना, या किसी के झांसे में आ जाना, या किसी के बहकावे में पड़ जाना। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो, जैसे मैं उसके चक्कर में पड़ गया, या मैं उसके झांसे में आ गया, या मैं उसके बहकावे में आ गया, आपको उस लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, आपको उस लड़की के झांसे में नहीं आना चाहिए, आपको उस लड़की के बहकावे में नहीं आना चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप कहेंगे गेट इनटू वन्स हुक्स। लगता है आप समझे नहीं, आइए इसे डिटेल से समझें। गेट इनटू माय हुक्स का मतलब होता है मेरे चक्कर में फंस जाना, या मेरे बहकावे में आ जाना, या मेरे झांसे में आ जाना। गेट इनटू योर हुक्स का मतलब होता है तुम्हारे बहकावे में आ जाना, या तुम्हारे झांसे में आ जाना, या तुम्हारे चक्कर में पड़ जाना। गेट इनटू हर हुक्स यानी उसकी चक्कर में पड़ जाना, या उसके बहकावे में आ जाना, या उसके झांसे में आ जाना। गेट इनटू देयर हुक्स यानी उन लोगों के चक्कर में पड़ना, या उन लोगों के झांसे में आना, या उन लोगों के बहकावे में आना। जैसे अगर आपको कहना हो कि आप उस लड़की के चक्कर में पड़ते हैं, या आप उस लड़की के झांसे में आते हैं, या आप उस लड़की के बहकावे में आते हैं, यू गेट इन टू दैट गर्ल्स हुक्स यानी आप उस लड़की के झांसे में आते हैं, या उसके चक्कर में पड़ते हैं। मैं उस लड़की के झांसे में नहीं आता हूँ, या मैं उस लड़की के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, या मैं उस लड़की के बहकावे में नहीं आता हूँ। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे I don't get into that girl's hooks यानी मैं उस लड़की के झांसे में नहीं आता हूँ, बहकावे में नहीं आता हूँ, या उसके चक्कर में नहीं आता हूँ। मैं उसकी चक्कर में आ गया, I got into her hooks यानी मैं उसकी चक्कर में आ गया। मैं उन लोगों के बहकावे में आ गया, या मैं उन लोगों के झांसे में आ गया, या मैं उन लोगों के चक्कर में आ गया। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे I got into their hooks यानी मैं उन लोगों के झांसे में आ गया, या धोखे में आ गया। अगर आपको कहना हो कि मैं उन लोगों के झांसे में नहीं आया, या उन लोगों के चक्कर में नहीं आया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे I didn't get into their hooks यानी मैं उन लोगों के झांसे में नहीं आया, या उन लोगों के चक्कर में नहीं आया। अगर आपको कहना हो कि आपको उस लड़की के चक्कर में नहीं आना चाहिए, या उसके झांसे में नहीं आना चाहिए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे You should not get into that girl's hooks यानी आपको उस लड़की के चक्कर में नहीं आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात शानदार तरीके से समझ में आया कि जब आपको कहना हो किसी इंसान के चक्कर में आ जाना, यानी किसी इंसान के धोखे में आ जाना, किसी इंसान के बहकावे में आ जाना, या किसी इंसान के झांसे में आ जाने के लिए आप कहेंगे गेट इंटू माई हुक्स, गेट इंटू योर हुक्स, गेट इंटू हर हुक्स, गेट इंटू हिज हुक्स, गेट इंटू देयर हुक्स, गेट इंटू आर हुक्स। यहाँ मैं बता दूं कि मैंने कुछ सेंटेंसेस में गॉट का इस्तेमाल किया, क्योंकि मेरा सेंटेंस पास्ट में था, और जब इस तरह के सेंटेंसेस को आप पास्ट में बोलेंगे तो आप गेट के जगह पर बोलेंगे गॉट। हो सकता है कि आप सोचें कि इस तरह के सेंटेंसेस को फ्यूचर में कैसे बोलेंगे, तो मैं आपसे कहूंगा इस तरह के सेंटेंसेस को फ्यूचर में बोलने के लिए आप कहेंगे विल गेट इनटू, जैसे मैं तुम्हारी चक्कर में नहीं आऊंगा, या मैं तुम्हारी चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं तुम्हारी झांसे में नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारी बहकावे में नहीं आऊंगा। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे I will not get into your hooks यानी मैं आपके बहकावे में नहीं आऊंगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया। ऐसे साइको टॉपिक्स जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।